हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने ट्यूटोरियल में यूज मेमो हुक डिस्कस किया था, तो इसमें एक कमेंट आया है। वो कमेंट क्या है इस वीडियो में देखिए कि एग्जैक्ट यही चीज मैं क्लास कंपोनेंट में ट्राई कर रहा हूँ तो डिले हो रहा है। सो हाउ कैन आई सोल्व दिस प्रॉब्लम एज वी डोंट यूज हुक इन क्लास कंपोनेंट। बोल रहे हैं कि मुझे यही हम हुक जो है क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही प्रॉब्लम क्लास कंपोनेंट में आ रही है, तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो ये हुक को जो यूज मेमो हुक है उसको क्लास कंपोनेंट में यूज करना चाहते हैं सेम फंक्शनलिटी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं उनकी ही हेल्प से हम करते हैं क्लास में, तो हम इसको यूज मेमो की जो फंक्शनलिटी है उसको क्लास कंपोनेंट में देखने वाले हैं। तो पहले मैं ये फंक्शनलिटी डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने यूज मेमो में की थी। यहाँ पे देखिए, अभी ये विदाउट यूज मेमो है क्लास फंक्शनल कंपोनेंट में। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे स्टेटस चेंज हो रहा है, इविन ओड इविन इसके चेंज पे। और जब मैं ये एक स्टेट है काउंट वन और काउंट टू पे, देखिए जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरा स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये फंक्शन आप कंसोल में देख रहे हैं, फंक्शनल कॉल हो रहा है। ठीक, जब मेरा ये फंक्शन से जो मेरा आउटपुट आ रहा है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो फंक्शन क्यों कॉल हो रहा है इस स्टेट पे? तो ये क्या कर रहा है, हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रहा है। तो इसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज मेमो यूज करते हैं। वो क्या करता है, यूज मेमो कोई फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है और उसको मेमोराइज कर लेता है, उसको कैश कर लेता है। ठीक है, कि जब भी वो स्टेट अगर हमें चेंज नहीं मिलेगी तो वो सेम आउटपुट देगा, वो फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरी यूज स्टेट से एक काउंट वन काउंट टू दो स्टेट हैं, यहाँ पे एक इविन फंक्शन है। अब इविन फंक्शन सिर्फ काउंट वन पे डिपेंडेंट है, जब भी काउंट वन मुझे मिलेगा तो तब जाके ये रिटर्न मुझे करेगा कि ये इविन नंबर है या ये मेरा ओड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके बेस पे इविन नंबर ओड नंबर दिखा रहा हूँ। तो जब मैं इस काउंट वन को चेंज कर रहा हूँ तो ठीक है, तब तो ये मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए, लेकिन काउंट टू का तो इससे इस स्टेट का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये कॉल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज मेमो हुक। ये यूज मेमो हुक मैंने यहाँ पे लिया, तो देखिए ये रिएक्ट एपीआई का पार्ट है, यहाँ भी आ गया इम्पोर्ट में ही। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो मेरा फंक्शन होता है ये एज ए फर्स्ट पैरामीटर आता है और सेकंड पैरामीटर में डिपेंडेंसी एरे आता है कि किस पे ये डिपेंडेंट है, यहाँ पे। ठीक, ये है काउंट वन पे। अब इसको मैंने इसमें असाइन कर दिया। तो पहले तो ये इवन इज इवन मेरा क्या था, एक फंक्शन, लेकिन अब ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न वेरिएबल करता है, फंक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज, अब जाके देखते हैं, मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए, जैसे जैसे मैं इज इवन ये काउंट वन कर रहा हूं तो ये वाला देखिए कंसोल में मेरा इज इवन फंक्शन प्रिंट हो रहा है, काउंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ काउंट टू पे, काउंट बढ़ रहा है काउंट टू का, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो काउंटर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो रहा है, ये जो कोड है ये कोड काउंट टू पे, ये काउंट वन है और ये काउंट टू पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इतना कोड देखिए, ये मेरा लूप में मैंने लिया हुआ है, इतना लूप में कोड चल रहा है, तो बहुत हैवी कोड चल रहा है ये। ठीक है, इतना हैवी कोड जो है मेरा सिर्फ काउंट वन स्टेट पे डिपेंडेंट है, तभी एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं एग्जीक्यूट होगा, काउंट टू पे नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। तो यही चीज हम कैसे फंक्शनल कंपोनेंट में कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, डेमो डॉट जेएस, ये कंपोनेंट आरसीसी। ठीक है, आरसीसी से मैंने यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट बना लिया। अब इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ, सुपर ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो जेएस है मैं एज इट इज, ये जेएसएक्स है, ये जेएसएक्स में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डेमो कंपोनेंट में, ये देखिए। अब मेरा यहाँ पे देखिए स्टेट थी काउंट वन और काउंट टू, तो मुझे दो स्टेट बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में कैसे स्टेट बनाते हैं, इस तरह से
काउंट टू और काउंट वन कोलन जीरो और कोलन जीरो, इस तरह से बनती है। ठीक, अब यहां पे जिस तरह से ये यूज है, सेट फंक्शन है, सेट काउंट नहीं आएगा। अब यहां पे कैसे सेट करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट से करते हैं, और वो कैसे होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां काउंट वन, काउंट वन आएगा कोलन, यहां पे काउंट वन, और काउंट वन यहां पे कैसे निकलेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट, इस तरह से। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि यही मुझे यूज भी करना पड़ेगा, अब यहां पे ये यूज भी करना पड़ेगा इस तरह से, ये हो गया। अब जाते हैं सेम हम किसके लिए, काउंट टू के लिए, दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट कैसे चेंज होती है, अब इसको भी मैं कट कर लेता हूं, यहां ऑब्जेक्ट में काउंट टू कोलन, और ये कैसे निकलेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट टू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर अभी तक किए, किस तरह से स्टेट हैंडल करते हैं क्लास कंपोनेंट में। ठीक, ये हो गया। अब जो मेरा ये इवन है, तो इसके लिए मैं सेम फंक्शन लाता हूं उठा के, ये मैंने फंक्शन लिया यहां से, और यहां पे मैं जाता हूं, फंक्शन रखा, फंक्शन का नेम। ठीक, अब यहां पे फंक्शन कैसे कॉल होता है, क्लास का दिस डॉट ऐसे इवन, इस तरह से फंक्शन कॉल होता है। अब इसमें देखिए काउंट टू है, तो काउंट टू कैसे होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट। ठीक, तो यहां पे ये सब हो गया। अब इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूं ऐप में, यहां पे जाता हूं, डेमो इंपोर्ट भी हो गया, और यहां पे मैंने इंक्लूड भी करके टेस्ट को मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूं। ठीक, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए अब ये मेरा कौन सा हो गया, क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट पे भी चल रहा है सब सेम टू सेम चल रहा है एकदम। अब मैं इसमें, अगर आपको लग रहा होगा क्लास नहीं है तो फंक्शनल ही है, तो यहां पे मैं फंक्शन की जगह यहां पे क्लास और लिख देता हूं, इन क्लास अब देखिए ये चल रहा है। अभी देखिए ये काउंट टू पे भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि ये इवन ओड कहां पे हो रहा है, सिर्फ इस काउंट वन स्टेट पे, तो इस पे नहीं होना चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एक और स्टेट ले लेंगे हम, इवन स्टेटस, तो फर्स्ट टाइम तो जीरो है तो इवन रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं ले लेता हूँ ट्रू। फिर जब मेरा कंपोनेंट लोड होगा तो कौन सा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहां पे स्टेट सेट करता हूं इवन स्टेटस, इवन स्टेटस, और क्या मैं स्टेटस में सेट करूंगा, दिस डॉट इज इवन, ये फंक्शन यहां पे कॉल कर दूंगा, जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो यहां स्टेट में मेरा सेट हो जाएगा। ठीक, ये तो लोड पे था, यही मुझे हर बार जब भी मैं स्टेट अपडेट करूंगा तब करना पड़ेगा, तो तब कौन सा लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक, तो इसके अंदर मेरे दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है मेरा प्रिव प्रोप्स, एक होता है मेरा प्रिव स्टेट। ठीक, इसके बेस पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट इवन स्टेटस, ठीक है, इवन स्टेटस नहीं, हमारा काउंट चल रहा है, तो काउंट काउंट वन नॉट इक्वल टू प्रिव स्टेट डॉट काउंट वन। ठीक है,
अगर काउंट वन, यहाँ पे देखिए काउंट वन, अगर हमारा प्रीवियस काउंट वन जो अब करंट काउंट वन के इक्वल नहीं है, तभी हमारा ये स्टेट अपडेट हो क्लिक पे। अगर सेम है, सेम कब रहेगा, ये सेम कब रहेगा, जब हम अपडेट करेंगे काउंट टू तब तो सेम रहेगा, जब हम काउंट वन को अपडेट करेंगे तब ये डिफरेंट होगा, तभी हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब चलते हैं, अब मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए ये मेरा सब कॉल हो रहा है यहां पे, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, इवन यहां पे चल रहा हूं और अब भी मेरा इज इवन मेरा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये इसलिए कॉल हो रहा है कि मैंने तो फंक्शन यहाँ पे स्टेट में कर दिया था, तो मुझे अब यहाँ पे स्टेट यूज करना है। कौन सी स्टेट, स्टेट डॉट इवन स्टेट। अब तो मेरा इसके बेस पे चलेगा ना, फंक्शन तो मेरा यहाँ पे स्टेट में सेट हो रहा है, तो ये स्टेट मुझे यूज करनी पड़ेगी, इवन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे अब चल के चेक करते हैं। अब देखिए ये हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखिए इसके इस पे ना तो ये चेंज हो रहा है, ना ही यहाँ पे काउंट जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हम लाइफ साइकिल मेथड्स का ही हमें यूज करना है, इसके पैरामीटर हमें अच्छे से पता होने चाहिए, बस यूज हमें पता होना चाहिए किस तरह से करना है, और हम इससे अच्छे से काम कर पाएंगे अगर हमें अच्छे से लाइफ साइकिल मेथड्स की नॉलेज है। तो देखिए मैंने किस तरह से एक काउंट वन स्टेट पे तो ये कॉल हो रहा है, लेकिन काउंट टू स्टेट पे ये कॉल नहीं हो रहा है। तो सेम हमने यूज मेमो से जो कर रहे थे, हमने लाइफ साइकिल मेथड से भी यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, तो आई होप किस तरह से यूज मेमो की सेम फंक्शनलिटी हम क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।